आपको बता दें कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। इस एप्लीकेशन की क्या खासियत है और एप्लीकेशन क्या क्या काम करता है और किसके लिए फ़ायदेमंद है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि मेरा राशन ऐप उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एप्लीकेशन सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC सिस्टम का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के ज़रिए आप न केवल दूसरे शहर से आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं बल्कि राशन कार्ड पर कितना वितरण हुआ है और घर के आसपास कितना राशन डीलर मौजूद है यह भी जान सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह एप्लीकेशन सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC सिस्टम का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम उन लोगों के लिए बेहद मददगार है जो कामकाज के सिलसिले से अक्सर अपने राज्य को बदलते रहते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड पूरी तरह से डिजिटल है और इसे किताब की तरह ढोने की जरूरत नहीं है। डिजिटल होने के चलते इसे मोबाइल में लेकर चल सकते हैं और जहाँ कहीं भी आप रहें इसे डिजिटल कार्ड की तरह देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एप्लीकेशन की क्या क्या खूबियाँ हैं और एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन दो भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेज़ी, और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और एप्लीकेशन के सहारे आप जान सकते हैं कि आपको कितना गेहूं और चावल दिया जा रहा है और उसकी कीमत क्या है और कितना मिलता है, और ये भी जान सकते हैं कितना मिलना बाकी है। राशन कार्ड पर कितना वितरण हुआ है और घर के आसपास कितना राशन डीलर मौजूद है, ये सब जानकारी आप यहीं पर पा सकते हैं। खुद राशन कार्ड के डीलर को भी बदल सकते हैं, यह जानकारी भी यहाँ मिलती है। और कौन सा डीलर आपके घर से कितना दूर है ये भी आप जान सकते हैं इस एप्लीकेशन में। डीलर का लाइसेंस नंबर, नाम, पता सब कुछ यहाँ पाया जा सकता है। राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है या नहीं ये भी देख सकते हैं। और पूरे देश में कहीं भी जाएं वहाँ पर आपके आसपास के डीलरों की जानकारी हासिल हो सकेगी। पूरा सिस्टम क्योंकि गूगल मैप से जुड़ा हुआ है इसीलिए आपको जानकारी में दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प है, इसके लिए आपको अपने राशन कार्ड का नंबर भी डालना होगा। नंबर डालते ही आपके राशन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी यहां दिखा दी जाएगी। एक राशन कार्ड से जितने नंबर या फिर जितने मेंबर जुड़े होंगे उनकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, साथ ही आधार नंबर भी दिखाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी ऑप्शन को टैप करते ही आपके राशन कार्ड नंबर के बारे में पूछा जाता है। नंबर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि योजना के अंतर्गत आपका राशन कार्ड आता है या नहीं, सारी जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी। तो आपको ऐसे ही छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए, एग्रीकल्चर चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो को बार बार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।